डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लाइसोजोम को बायोकेमिकल स्टडीज के बेसिस पे। डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लाइसोजोम को बायोकेमिकल स्टडीज के बेसिस पे। और टर्म लाइसोजोम देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो भी कौन थे? डी डूवे। डी डूवे नहीं, लाइसोजोम टर्म दिया था। लाइसोजोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग या डिस्पोजल यूनिट या एटम बॉम्ब या डेमोलिशन स्क्वाड कह सकते हैं या स्केवेंजर ऑफ सेल कह सकते हैं लाइसोजोम को। लेकिन लाइसोजोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोजोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इतने खतरनाक हो होते हैं, अगर लाइसोजोम सेल के अंदर फट गया तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ियारफ़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ जुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th वाले स्टूडेंट के लिए। जो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9 लेक्चर कम्प्लीट हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 10। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिएगा आप इस चैप्टर के, तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। और नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस जगह पे नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और मतलब मैं बता दूं कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, आपको लेक्चर से जो क्वेश्चन तय हो रहे हैं बन रहे हैं वो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। तो मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो टेलीग्राम का ये लिंक है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। टेलीग्राम का नेम देख सकते हैं, नीट 11th 12th बायोलॉजी क्लास सेशन 2021 बाय ज़ारफ ऑनलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूट। और मैं टेस्ट भी लेता हूँ, टेस्ट सीरीज भी करवाता हूँ, तो हम मुझे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे आपको सब कुछ करने मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे सपोर्ट करें और लेक्चर को पूरा देखें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा डिटेल में। बात करते हैं फंक्शन ऑफ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया था, गॉल्गी बॉडी के बारे में, लेकिन उसके फंक्शन के बारे में बात नहीं की थी। तो आज हम लोग गॉल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है मेटाबोलाइट्स के सिक्रेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। मेटाबोलाइट जैसे कि इंसुलिन, थायरोक्सिन, फॉलिकुलर फ्लूड, लैक्टोप्रोटीन इन मेमरी ग्लैंड एंड जाइमोजेन ग्रेन्यूल्स इन पेनक्रियास। मेमरी ग्लैंड में लैक्टोप्रोटीन का सिक्रेशन करता है और जाइमोजेन ग्रेन्यूल का सिक्रेशन करता है पेनक्रियास में। कौन? गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी इन्वॉल्व है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। तो एक एंजाइम जो है, मेन एंजाइम जो है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का, वो है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेस, ठीक है। तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेस क्या करता है? ओलिगोसैकेराइड को प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करा देता है जिससे प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। आ रहा समझ में? सेल वॉल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल के फॉर्मेशन के बारे में। मतलब कि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज सेलुलोज एंड सिक्रीट दिस पॉलीसेकेराइड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेलुलोज को तैयार करता है और सेलुलोज से सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाता है। तो गॉल्गी बॉडी जो सेलुलोज को तैयार करता है वो सेलुलोज जिस थैली में देखने मिलता है सेल के अंदर, उस थैली को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट। तो वेसाइकल कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट इन विच सेलुलोज आर फाउंड एंड दो सेलुलोज आर सिंथेसाइज्ड बाय गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। मीन्स डायरेक्टली बोला जाए तो फ्रेगमोप्लास्ट सिंथेसाइज बाय गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एंड साइड फ्रेगमोप्लास्ट सेलुलोज आर फाउंड, ठीक है। और सेलुलोज क्या करेगा? सेल वॉल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। देखिए
प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। कैसे है देखते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस द गोल्गी वैक्यूल्स रिलीजेस देयर कॉन्टेंट इन द आउटर मीडियम, द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी वैक्यूल बिकम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब गोल्गी बॉडी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सोसाइटोसिस करता है, मतलब जब वो गोल्गी वैक्यूल को रिलीज करता है, जब गोल्गी बॉडी गोल्गी वैक्यूल को रिलीज करता अपने से, तो गोल्गी बॉडी जो होती है वो आउट गोल्गी बॉडी जो होती है वो आउटर मीडियम में गोल्गी वैक्यूल को जब रिलीज करती है, गोल्गी बॉडी गोल्गी वैक्यूल को आउटर मीडियम में जब रिलीज करती है, तो उस गोल्गी वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा जाकर बन जाता है। ठीक है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है गोल्गी बॉडी। तो एक्रोसोम है क्या, देखिए एक्रोसोम इज द टिप ऑफ एनिमल स्पर्म, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द मॉडिफिकेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ह्यूमन बींग का जो स्पर्म है या किसी भी एनिमल का जो स्पर्म है, स्पर्म का जो एकदम टिप पॉइंट जो है वो टिप पॉइंट होता है एक्रोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम को भी कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, जब गोल्गी बॉडी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है मॉडिफिकेशन आता है गोल्गी बॉडी में मॉडिफिकेशन आता है, तब जाके एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो गोल्गी बॉडी एक्रोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन लाइसोसोम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्गी बॉडी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। अब बात करेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। देखिए लाइसोसोम असल में है क्या, लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने मिलती है लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम जो है वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, वेसाइकल थैली जैसा स्ट्रक्चर, छोटी सी थैली जैसा स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। ठीक है, और ये लाइसोसोम को कौन बनाता है, लाइसोसोम का पैकेजिंग में इन्वॉल्व है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल हैव बीन फाउंड टू हैव वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेजेस, लिपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। तो एक अकेले लाइसोसोम की बात करें तो उस एक अकेले सिंगल लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में वेरी रिच होता है, मतलब कि जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है लाइसोसोम के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है वो है लिपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब जो होते हैं कहाँ होते हैं, लाइसोसोम के अंदर देखने मिलते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, मतलब कि लाइसोसोम जो होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जब पीएच स्केल से चेक करते हैं तो लाइसोसोम का पीएच जो है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने मिलता है, अप्रोक्स बोले तो 5 होता है लाइसोसोम का पीएच। ठीक है, और लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं सेल के लिए, सेल को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, लिपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। एक अकेला लाइसोसोम जो होता है वो काफ़ी होता है डाइजेशन के लिए। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारा एंजाइम जो है लिपेजेस लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर जाता है, न्यूक्लिएजेस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करेगा। देखिए ये है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, देखिए मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। ठीक है, उसके अंदर ये सब एंजाइम देखने मिल रहे हैं, देख ले ध्यान से, ये है लाइसोसोम। एनसीईआरटी में कोई फिगर नहीं दिया लाइसोसोम का,
तो ये मैं अलग से फिगर दिखा रहा हूँ आपको, ये इसी टाइप का गोल स्ट्रक्चर होता है लाइसोजोम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइसोजोम, और लाइसोजोम के अंदर सारा हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम होता है, प्रोटीजेस, लिपेजेस, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तो प्लीज़ पूछिए मुझसे, मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है तो ज़्यादा व्यू नहीं आता मेरे ऊपर, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में अगर मैं बना रहा हूँ तो ऐसा व्यू जाने लगेगा, तो सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज़। देखिए सेल के अंदर लाइसोजोम कहाँ पर है, यहाँ पर है, दिख रहा है लाइसोजोम सेल के अंदर, यहाँ पर लाइसोजोम देखने मिल रहा है। फिर देखिए लाइसोजोम को अगर हाफ कट करके देखें तो ऐसा दिखेगा, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन देखने मिल रही है लाइसोजोम के ऊपर, हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम देखने मिल रहा है, सब हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम है ठीक है, और उसके बॉडी पर क्या देखने मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देखने मिल रहे हैं हम लोग को। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। डी डूवे डिस्कवर्ड द लाइसोजोम ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल स्टडीज, ही प्रपोज्ड टर्म लाइसोजोम। तो डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था लाइसोजोम को बायोकेमिकल स्टडीज के बेसिस पे, और डी डूवे ने ही लाइसोजोम टर्म दिया था। तो याद रखिएगा, डी डूवे ने लाइसोजोम को डिस्कवर किया, लाइसोजोम टर्म देने वाले साइंटिस्ट भी डी डूवे ही थे। लाइसोजोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, डिस्पोजल यूनिट भी कह सकते हैं, एटम बॉम्ब भी कह सकते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड भी कह सकते हैं, या स्केवेंजर ऑफ सेल भी कह सकते हैं लाइसोजोम को। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, लाइसोजोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोजोम को स्केवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं ठीक है। लाइसोजोम जो है वो अकर इन ऑल एनिमल सेल एंड प्रोटोजोन्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। तो सभी एनिमल के सेल में और प्रोटोजोन में देखने मिलता है हम लोग को लाइसोजोम, लेकिन ह्यूमन बींग का जो आरबीसी जो है या मैमल का जो रेड ब्लड सेल है उसमें लाइसोजोम देखने हम लोग को नहीं मिलता है ठीक है, आया समझ में। लाइसोजोम आर बाउंड बाय ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन विच इज ऑफ 70 एंगस्ट्रम थिकनेस। लाइसोजोम जो है एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, और उस सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो है 70 एंगस्ट्रम ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एच प्लस आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन, पीएच ऑफ लाइसोजोम बिकम्स एसिडिक, इट इज अराउंड 5। तो हाइड्रोजन आयन एच प्लस प्लस आयन के एक्यूमुलेशन की वजह से लाइसोजोम के अंदर एच प्लस प्लस आयन देखने मिलता है, और इस एच प्लस प्लस आयन हाइड्रोजन आयन के एक्यूमुलेशन की वजह से लाइसोजोम जो होता है काफ़ी एसिडिक हो जाता है, और इसका पीएच जो होता है अराउंड 5 होता है। और लाइसोजोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोजोम अगर सेल के अंदर फट जाएगा तो सेल पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा ठीक है। लाइसोजोम अगर सेल के अंदर फट जाएगा तो लाइसोजोम के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम वो सब बाहर आ जाएंगे और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे और सेल मर जाएगी, डेड हो जाएगी। लाइसोजोम्स आर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गनेल्स। लाइसोजोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गनेल है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गनेल मतलब लाइसोजोम का जो कोई खास एक शेप नहीं होता, वो कोई भी शेप का हो सकता है ठीक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब कोई खास शेप फिक्स नहीं है, एनी शेप। लाइसोजोम का 4 टाइप होता है ठीक है, 4 टाइप ऑफ लाइसोजोम। फिर से मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो इस लेक्चर से जो बनेंगे वो क्वेश्चन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम वाले चैनल पे, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम में मेरे जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हर लेक्चर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ मैं डाल देता हूँ, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं टेस्ट कराता रहूँगा इस चैप्टर पे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं मुझे आप वहाँ पर आप मुझे। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में। 4 टाइप ऑफ लाइसोजोम होते हैं ठीक है, प्राइमरी लाइसोजोम, सेकेंडरी लाइसोजोम, रेसिडुअल लाइसोजोम और ऑटोफेजिक लाइसोजोम। तो बात करते हैं एक एक करके। ऑल्सो नोन एज प्रोटो लाइसोजोम और ट्रू लाइसोजोम। तो प्राइमरी लाइसोजोम को हम लोग प्रोटो लाइसोजोम भी कहते हैं या ट्रू लाइसोजोम कहते हैं ठीक है। दीज आर डायरेक्ट बर्ड फ्रॉम गॉल्गी बॉडी।
तो जो लाइसोसोम डायरेक्टली गोल्गी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, जो लाइसोसोम डायरेक्टली गोल्गी बॉडी से बाहर निकल के आ रहा है, उस लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फॉर एग्जांपल ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है, और गोल्गी बॉडी से निकल कर जो डायरेक्टली जो लाइसोसोम बाहर आया उसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट बर्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से जो लाइसोसोम डायरेक्टली बाहर निकल के आया वो हुआ, वो क्या हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम। इफ दिस लाइसोसोम एक्सीडेंटली बस्ट इनसाइड द सेल, लाइसिस ऑफ सेल, अगर लाइसोसोम एक्सीडेंटली जो है प्राइमरी लाइसोसोम एक्सीडेंटली फट गया सेल के अंदर, सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम अब क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग टेलोलाइसोसोम भी बोलते हैं या डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, जब फैगोसाइटोसिस होता है द फैगोसाइटोटिक वेसाइकल और फैगोसोम इज फॉर्म्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, जब सेल किसी चीज़ को खाती है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जिस किसी भी मटेरियल को सेल ने बाहर से अंदर लिया तो वो मटेरियल सेल के अंदर एक खास थैली के अंदर दिखने लगता है, ठीक है, तो उस थैली को बोलते हैं हम लोग फैगोसोम। ठीक है, जब सेल ने फैगोसाइटोसिस किया, बाहर से के मटेरियल को खाया, तो एक खास थैली बन जाती है सेल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग फैगोसोम, और उसी थैली के अंदर सारा मटेरियल रहता है। ठीक है, दिस फैगोसोम फ्यूजन विथ प्राइमरी लाइसोसोम। अब क्या होता है, ये जो फैगोसोम है, जब फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करता है तो जो नया लाइसोसोम बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज करेगा फैगोसोम के साथ तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। एज अ रिजल्ट सेकेंडरी लाइसोसोम आर फाउंड वेयर द वेयर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑपरेट्स। तो जैसे ही क्या होगा, प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज करेगा, तो फैगोसोम में क्या था, वो सारे मटेरियल था जो सेल ने बाहर से लिए थे अंदर, तो वो सारा मटेरियल जो होगा क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रेसिड्यूअल लाइसोसोम के बारे में। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम बिकॉज जस्ट सब्सटेंस गेट डिफ्यूज्ड इन द साइटोसोल। देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम फ्यूज किया तो फैगोसोम के अंदर जो भी मटेरियल था वो सारा मटेरियल क्या हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था, डाइजेस्टिव एंजाइम था, उसके वजह से सारा मटेरियल डाइजेस्ट हो गया, और डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा मटेरियल क्या होगा, वो सारा मटेरियल जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टिल सेकेंडरी, स्टिल क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यह प्राइमरी लाइसोसोम है और ये फैगोसोम है, दोनों फ्यूज किया, ये देखिए मटेरियल है और ये हाइड्रोलाइटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम और फैगोसोम का अंदर जो मटेरियल था वो दोनों क्या हुआ, मर्ज हुआ मिला, तो जो मटेरियल था वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट होने बाद वो सारा मटेरियल क्या हो, डाइजेस्ट हो जाने के बाद साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो वेस्ट मटेरियल क्या है, वेस्ट मटेरियल वाले को लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिडुअल लाइसोसोम। जो वेस्ट मटेरियल बच गया आप सेकेंडरी लाइसोसोम में, उस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल लाइसोसोम। ओनली वेस्टेज रिमेन इन दी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज बचा। दिस लाइसोसोम आर नोन एज रेसिडुअल लाइसोसोम, इस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल लाइसोसोम। अब बात करते हैं ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या होता है, ऑल्सो नोन एज सेलुलर स्कैवेंजर, दिस लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ सरप्लस सेल ऑर्गेनेल्स जनरली एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन और मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऑटोफैजिक लाइसोसोम को सेलुलर स्कैवेंजर ये बोलते हैं, सुनिए ध्यान से।
जो सेल ऑर्गेनिक सेल के अंदर मौजूद है अब वो खराब हो गई है, अब उतना अच्छा से फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो सारी सेल ऑर्गेनिक को लाइजोम क्या करेगा, डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो उस लाइजोम को हम लोग बोलेंगे ऑटोफेजिक लाइजोम। या फिर जब सेल जो स्टारवेशन में चली जाएगी, ठीक है, जब सेल स्टारवेशन में चली जाएगी मतलब कि सेल जो है सेल को बहुत दिन से खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो सेल को तो एनर्जी चाहिए वहाँ जिंदा रहने के लिए, तो सेल क्या करेगी अपने खुद के सेल ऑर्गेनिक को डाइजेस्ट करके खाने लगेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का वह उसको खुद डाइजेस्ट करके खाने लगेगी। तो उस लाइसोजोम को हम लोग बोलेंगे, उस लाइसोजोम को क्या बोलेंगे, ऑटोफेजिक लाइसोजोम। ठीक है, देखिए जो लाइसोजोम डायरेक्टली निकल के आया गॉल्गी बॉडी से उसको बोले प्राइमरी लाइसोजोम। प्राइमरी लाइसोजोम जब फ्यूज किया फेगोजोम के साथ, ये फेगोजोम है, जब फ्यूज किया तो क्या बना, सेकेंडरी लाइसोजोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज किया फेगोसोम के साथ तो क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम। फिगर देखिए, मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ अब शुरू से। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, ये सब क्या है, छोटा छोटा लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम जो कि डायरेक्टली गोल्गी बॉडी से निकल के आ रहा। अब प्राइमरी लाइसोसोम था, ठीक है, ये दिख रहा है हम लोग को फेगोसोम। देखिए सेल ने बाहर से कुछ खाना अंदर लिया तो ये बना फेगोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे फ्यूज किया फेगोसोम के साथ तो बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। देख सकते हैं क्या होना, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए ये क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये फेगोसोम के अंदर जो मटेरियल था वो है। अब दोनों मिलेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम और फेगोसोम के अंदर जो मटेरियल था तो क्या होगा, उस मटेरियल का डाइजेशन हो जाएगा और डाइजेशन मटेरियल चले जाएंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म में सेल के। और फिर जो रेसिडुअल बच गया वो यहाँ देखिए रेसिडुअल बचा हुआ है, तो रेसिडुअल वाले बॉडी को बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसके अंदर सिर्फ रेसिडुअल मटेरियल बचा है उसको बोलेंगे रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑटोफेजिक लाइसोसोम, देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये है ऑटोफेजिक लाइसोसोम, खुद के सेल ऑर्गेनिक को खा रहा है। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता कुछ भी प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टाइल लेक्चर्स जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेस्ट देने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, मतलब सब कुछ के लिए, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस या प्रैक्टिस करनी है टेस्ट देना है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 11 में। ओके फ्रेंड्स।